हेलो स्टूडेंट, माय नेम इज श्वेता फ्रॉम गिरन पार्क सीनियर सेकेंडरी स्कूल। जैसे कि हमने पिछले वीडियो में लेसन थर्ड स्टार्ट किया था, लेसन का नाम था बुलक्कड़ किसान, जो कि हमने आपको यहाँ तक रीड करा दिया था और आपको रीड करने के लिए हमने होम टास्क में दिया भी था। आज हम आगे रीड स्टार्ट करते हैं। करना, देर रात होने पर वह घर पहुँचा। उसकी पत्नी घर के बाहर खड़ी थी। वह अपनी पति को देखते ही समझ गई कि वह बहुत परेशान है। हो ना हो आज भी कुछ भूल आई, यह सोचकर उसने पूछा, क्या बात है, कुछ परेशान दिखाई दे रहे हो। जब जो बुलक्कड़ इंसान था, वो जब वो गधे को ढूंढते ढूंढते परेशान होकर वो घर पहुंच गया। उसकी पत्नी गेट पे ही, मतलब बाहर ही खड़ी थी। वह अपने पति को देखते ही समझ गई कि यह बहुत परेशान है। उसने फिर अपने पति से पूछा कि कुछ परेशानी दिखाई दे रही है। उसके बाद में, मतलब उससे पत्नी पति से पूछती है कि क्या बात हुई, क्यों परेशान क्यों दिखाई दे रहे हो। तो पति बोलता है कि आज बड़ा नुकसान हो गया, कि आज बहुत भारी नुकसान हो गया। किसान बोला, अरे 6 गधों में से एक गधा कहीं खो गया, कि मेरे जो 6 गधे थे उनमें से एक गधा कहीं खो गया। जब मैं घर से चला था तो पूरे 6 गधे थे, जब मैं घर से गया था तो मेरे पास पूरे 6 गधे थे, मगर जब बाज़ार से वापस लौट रहा था तो रास्ते में मैंने गधों की गिनती की तो एक गधा कम था। जब मैं बाज़ार से वापस आ रहा था तो रास्ते में मैंने गधों की गिनती की तो उसमें से एक गधा कम था। सैकड़ों बार गिना मगर 5 ही गधे थे, कि मैंने सैकड़ों बार गिनती करी लेकिन 5 ही गधे थे। यह कहकर वह उस गधे से नीचे उतर आया, जिस पर वह बहुत देर से बैठा हुआ था। यह कहकर वह अपनी पत्नी से यह बात कहकर वह जिस गधे पर बैठा था उस गधे से वह नीचे उतर आया। यह सुनकर उसकी पत्नी को बहुत बड़ा, मतलब बहुत ज़्यादा गुस्सा आया। उसके सामने 6 गधे खड़े थे, वह समझ गया कि क्या हुआ होगा, अतः क्रोधित होकर वह चिल्लाई। उसको क्रोध आ गया, मतलब गुस्सा आ गया, और वह चिल्लाई, तुम तो निर्मूर्ख हो, तुम तो बिल्कुल ही मूर्ख हो, तुमने उस गधे को गिना ही नहीं जिस गधे पे तुम स्वयं बैठे हुए थे, कि तुम तो बिल्कुल ही मूर्ख हो, जिस गधे पे तुम बैठे थे उसको गधे को तुमने गिना ही नहीं। ये रहा हमारे 6 गधे, कि ये रहे हमारे 6 गधे। अब किसान को समझ में आ गया कि छठा गधा न मिलने का कारण क्या था, कि अब किसान समझ गया कि छठा गधा क्यों नहीं मिल रहा था। वह मुंह बनाए अपनी पत्नी को देखता रहा। अपनी झिप मिटाने के लिए, मतलब अपनी लज्जा मिटाने के लिए उसने अपनी पत्नी से कहा, देखो बात यह है कि दिन भर की दौड़ धूप से मैं इतना थक जाता हूँ कि बस कुछ याद ही नहीं रहता। उसकी पत्नी मुस्कुराने लगी। इस प्रकार आज हमने आपका थर्ड लेसन कंप्लीट करा दिया है। आप भी इसे रीड करना। आज इसके शब्दार्थ देखते हैं। बुलक्कड़, जो बात भूल जाता हो। परेशान, दुखी। नुकसान, हानि। क्रोधित, गुस्सा। निर्मुख, बिल्कुल बेवकूफ। आपका आज का होम टास्क है, आपको इनके वर्ड मीनिंग कंप्लीट करने हैं और रीड भी करने हैं, और अब तक के जो 2 चैप्टर हमने आपको कंप्लीट करा दिए हैं उनको भी, आपके सारे उनके क्वेश्चन आंसर और उनके शब्दार्थ आपको लर्न करने हैं और होम टास्क कंप्लीट करना है। थैंक यू।